नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है गुजरात की खबरों का। पाटन विश्वविद्यालय सेनेट चुनाव के लिए 28 केंद्रों पर 16 दिसंबर को मतदान होगा। इस बार 50 प्रत्याशी मैदान में हैं। 18 तारीख को वोटों की गिनती होगी। हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय सेनेट चुनाव 16 दिसंबर को होगा, जिसके तहत विधि व्यवस्था द्वारा मतदान से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुल 6 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 20 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 50 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होगा। हेमंताचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय न्यायालय सीनेट में निर्विरोध निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को छोड़कर कुल 18,031 मतदाताओं में से 14,632 मतदाता 16 दिसंबर को विभिन्न कॉलेजों के नामित मतदान केंद्रों पर अपने मतपत्र डालेंगे, ताकि 20 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 50 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया जा सके। विश्वविद्यालय द्वारा पाटन, महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली जिलों में कुल 28 मतदान केंद्र नामित किए गए हैं। साबरकांठा जिले के विजयनगर में एक अज्ञात व्यक्ति 2 लाख कैश से भरा बैग लेकर भाग गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी विजयनगर पुलिस को देने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच की है। बता दें कि शख्स पोस्ट ऑफिस से 2 लाख रुपए लाकर बाइक पर रख दिया और बाइक खड़ी कर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चले गए। जब वो वापस आए तो बाइक पर रखा बैग गायब था। बलजी भाई ने तुरंत इसकी सूचना विजयनगर पुलिस को दी। पुलिस पास की दुकान की सीसीटीवी की जांच कर रही थी और बाइक से एक बंडल बैग ले जाते एक अज्ञात व्यक्ति को देखा गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पंचमहाल जिले में आज सुबह से मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। मौसम विभाग की ओर से मौसम की भविष्यवाणी भी की गई। तालुके, शहर, नगर और ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई है। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई। खासकर तुबर गेहूं सहित फसलों को नुकसान की आशंका ज्यादा बताई जा रही है। अचानक हुई बारिश के बाद मौसम भी ठंडा हो गया है। भरूच नगर पालिका के सामने जज्जर भवन का कितना हिस्सा वाहनों के फिसलने से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों में डर बना रहता है। भरूच नगर पालिका ने विध्वंस का काम अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि ड्रीमलैंड प्लाजा जीर्ण था और किसी भी समय ढलने का खतरा था। देर रात स्लैब का बड़ा हिस्सा गिरने से नुकसान हो गया। बारडोली सब्जी मंडी में किसानों व बिचौलियों के बीच विवाद जारी है। किसानों को 1 रुपए प्रति किलो बैंगन का भाव देने को कहा था, जिसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। सही भाव नहीं मिलने पर किसानों ने बैंगन रास्ते पर फेंक कर विरोध जताया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद किसानों को सहारा देने के लिए बारडोली गौ सेवा समिति ने आगे आई और 5 रुपए किसानों से प्रति किलो के भाव से बैंगन खरीदने का फैसला लिया। छोटा उदयपुर में राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने संखेड़ा तालुका के सनौली के पास छापेमारी कर विदेशी शराब जब्त कर ली, जहां से 14,005 बोतल विदेशी शराब व 3 मोटरसाइकिल समेत कुल 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। स्टेट मॉनिटरिंग सेल को संखेड़ा तालुका में विदेशी शराब जब्त करने में सफलता मिली है। बता दें कि राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की गश्ती के दौरान करीब 4 बजे माल्स को सूचना मिली और सूचना मिलने पर वह गांव सनौली में विदेशी शराब की कटिंग होने से कुछ देर पहले ही पहुंच गए और इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। उज्जैन और पावागढ़ से दर्शन के लिए सूरत जा रहे एक परिवार की सुबह वडोदरा जिले के वाघोड़िया तालुका में जारोद के पास कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 साल के बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और सूरत का रहने वाला परिवार दर्शन के लिए उज्जैन गया था, जहां से लौटते समय उन्होंने पावागढ़ महाकाली माता के दर्शन किए और वहां से परिवार सूरत लौट रहा था, तभी वडोदरा के पास जारोड के पास एक होटल के पास कार हादसे का शिकार हो गई। जिले में समय समय पर चोरी व डकैती के बढ़ते मामले दर्ज हो रहे हैं। बीती रात सांखेड़ा में नवदुर्गा के पास जिन में तस्करों ने धावा बोल दिया, जिनके कार्यालय की तिजोरी को तोड़ने का असफल प्रयास किया गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बता दें कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब तस्करों ने हमला किया है। बीती रात करीब 2 बजे हंडोर स्थित नवदुर्गा कॉटन
जिनमें करीब 5 से 6 तस्करों ने धावा बोल दिया था। तस्करों ने कर्मचारियों को जिन स्थित एक कमरे में बंद कर कार्यालय के सामने रखी तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया। तिजोरी नहीं टूटी तो उसे घसीटकर बाहर निकाल ले गए। तस्करों के भाग जाने के बाद पुलिस को जिनके परिसर से 2 बैग, कपड़े और 2 पर्स मिले हैं। पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इसम को सूरत के पांडेसरा इलाके में एक व्यस्त सड़क से गुजर रहे टेम्पो में बैठकर नकदी चुराते हुए पकड़ा गया था। पांडेसरा पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपी पहले फिल्मी अंदाज में रैकी कर मोपेड से टेम्पो में तस्करी कर ले जाते थे। पांडेसरा डी मार्ट के पास चालू टेम्पो में एक व्यक्ति 2.16 बोरी नकदी लेकर फरार हो गया। इस घटना में पांडेसरा पुलिस ने मामला दर्ज कर 1 घंटे के अंदर 3 बदमाशों को पकड़ लिया। गुजरात की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेपीटी लाइव। नमस्कार।